हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानना है कि पीएम किसान हर साल 6000 रुपए के लिए चाहिए कितनी जमीन, जानिए स्कीम के नियम। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि आपको 6000 रुपए कैसे मिलेंगे, आपको कितनी जमीन चाहिए, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त आ चुकी है। इसके मतलब करीब 9,50,00,000 से ज़्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हालाँकि अब भी कई ऐसे किसान हैं जो स्कीम के दायरे में होते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, इस वजह से किसान सालाना 6000 रुपये पाने में चुके जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कितनी ज़मीन होने की स्थिति में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या है नियम। स्कीम के नियमों के मुताबिक योजना का लाभ उन किसानों को मिल सकता है जिनके नाम खेती की ज़मीन हो। अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह व्यक्ति पीएम किसान निधि का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कृषि योग्य खेती हो वही किसान लाभार्थी होगा। अब सरकार ने जीत को सीमा को खत्म कर दी है, मतलब ये कि खेती योग्य ज़मीन इसके नाम से ही उन्हीं को पैसे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि इन्हें नहीं मिलेगा फ़ायदा। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व जनप्रतिनिधि भी लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूटर, सीनियर और इंजीनियर वकील और उनके परिवार के लोग भी इसके दायरे में नहीं होंगे, भले ही खेती की क्यों ना करते हों। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि कई ऐसे किसान भी होते हैं जो ज़मीन के इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में करते हैं। ऐसे खेत मालिक भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर भी योजना के दायरे से बाहर हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 जून तक रजिस्ट्रेशन, कहने का मतलब यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी इस दायरे में हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जून में रजिस्ट्रेशन कराने पर अगर स्वीकृत होता है तो जुलाई में पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे किसानों को इस साल की 2 किस्त खाते में पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को भी सब्सक्राइब कर लियो और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आई है नहीं आई, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हमें कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।